लॉकडाउन भाग एक कितना सफल हुआ और लॉकडाउन भाग दो कितना सफल होगा, ये हम ही तय कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदनी जियो में। मैं हूँ नंदनी। COVID-19 वैश्विक महामारी कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इसके सामने अच्छे अच्छे बेबस हो गए हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति, 22,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है और इसका एकमात्र इलाज है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। और इसीलिए और हमारे देश में भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है, यही कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 1500 के केसेस दिल्ली में हो गए और कम से कम 2,000 से 2,500 आसपास महाराष्ट्र में हो चुके हैं। और छुआछूत और छूने से बीमारी फैलती है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन इसका एकमात्र रास्ता लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। और लॉकडाउन भाग एक सफल होने के बाद अब लॉकडाउन भाग दो आज से शुरू हो गया, क्योंकि शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तबलीगी जमात, चाहे कुछ लोग उनका साथ दे दें, हमारे देश में पढ़ रहे कुछ घटिया पत्रकार, कुछ घटिया तरह के लोग, कुछ हमारे देश में पढ़ रहे जयचंदों के औलाद, अगर ये उनके पक्ष में जितना भी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये 100% ये 100% सत्य है कि हमारे यहाँ कोरोना का कहर सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से ही आया है। अगर ये तबलीगी जमात नहीं होते तो हमारे पहले लॉकडाउन में हमारे यहाँ से कोरोना का को भी नहीं मिलता, वो कब का यहाँ से बाहर हो चुका होता, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने कुछ घमंडी टाइप के लोगों को छोड़ के, कुछ गंदे तरह की मानसिकता वाले राजनीति करने वाले लोगों को छोड़ के पूरा साथ दिया, हर नागरिक ने साथ दिया और काफ़ी बहुत सफल हुआ लॉकडाउन भागे। सिर्फ कुछ ही घटिया और जिद्दी तरह के जो घमंडी टाइप के जो लोग हैं, कुछ जयचंदों के औलाद जो हमारे यहाँ पल रहे हैं उनकी वजह से, नहीं तो बाकी हमारे हर हर नागरिक ने साथ दिया। सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात ही है कि हमें कोरोना की वजह से लॉकडाउन भाग दो लगाना पड़ा हिंदुस्तान में, नहीं तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। दिल्ली में आज 1500 केस हो गए, महाराष्ट्र में इतने केस हो, 2,500 केस हो गए। नहीं तो पहले लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ से ये कोरोना कब का जा चुका होता। और आज भी इसका वही हुआ है, हम लोगों ने उस पहले से ज़्यादा सतर्क होके, पहले से ज़्यादा सहमत होके, पहले से ज़्यादा धैर्यवान होके हमें इससे लड़ना है। हर नागरिक की लड़ाई है, हमें इससे लड़ना है और इससे बाहर निकलना है, क्योंकि हम जितनी जल्दी इससे बाहर निकल पाएंगे, जितनी जल्दी हम सरकार जितनी जी जान से हम सरकार का साथ देंगे, उतनी जल्दी हम इससे बाहर निकलेंगे। और हम उसके बाद हमारे इस कोरोना के बाद हमारे देश के क्या हालात होंगे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जहाँ आधी जनसंख्या कम से कम गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, कैसे वापस पटरी में आएगी, ये सोचना भी बहुत जरूरी है। वो भी उतना ही भयावह है, लेकिन पहली जिंदगी है, पहली पहली जान है, पहले इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। तो इसलिए हमें इस भाग दो को भी उससे ज़्यादा सफल बनाना है, उससे ज़्यादा हमें सतर्क और संयमित रहना है। घटिया तरह के लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनिए, सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करना है। सुरक्षित अपने घर में रहो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बाहर बिल्कुल मत निकलो, बहुत कम निकलो, नहीं है सब्जी घर में नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके खा लो, क्योंकि इसका एक ही मात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षित अपने घर में रहें।
क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ना कैसे फैल जा रहा है, ये तो अब सबको पता ही हो गया कि किस तरह से फैल रहा है। इसलिए हमें इसको फैलने से रोकने के लिए संयमित रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सही दिशा में काम करना है। एक दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस लॉकडाउन भाग दो को सफल बनाना है, इससे भी ज़्यादा सफल बनाना है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा आगे इसको बढ़ाने की नौमत ना आए, क्योंकि हमारे देश सिर्फ बीमारी से नहीं फिर भुखमरी से भी मरने की हालत में आ जाएगा। इसलिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, हर नागरिक को उसमें सहयोग देना है अपनी तरफ से जितना भी हो सके। हमें इस संकट से बहुत जल्दी बाहर निकलना है। नमस्कार, मेरी वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी आएगा ना प्रेस, इसे प्रेस करना ना भूलें आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए। नमस्कार।